दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कलर्स टीवी में काम करने वाली खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस के दम पर ही कलर्स टीवी आज भारत का नंबर वन एंटरटेनमेंट चैनल बना हुआ है, जिसे आम जनता के साथ साथ बड़े स्टार्स भी देखना पसंद करते हैं। और इन सीरियल में काम करने वाली अभिनेत्रियों ने अपने हर तरह के सीरियल्स और किरदारों से दर्शकों का खूब एंटरटेन किया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कलर्स टीवी की तरह के सीरियल में काम करने वाली बहुत सारी अभिनेत्रियों हॉरर बेस्ड शो काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, चाहे उनके लिए इन्हें कितने ही लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना मिले, मगर ये किसी भी कीमत पर हॉरर सीरियल में काम नहीं करती। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको कलर्स टीवी की उन 10 अभिनेत्रियों से रूबरू कराने वाले हैं जो हॉरर सीरियल में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करती, भले इसके लिए इन्हें करोड़ों क्यों ना मिल जाए। तो चलिए एक एक करके रूबरू होते हैं इन सभी अभिनेत्रियों से। नंबर 1, निमृत कौर आहलूवालिया। सीरियल छोटी सरदारनी में मेहर का किरदार निभाकर घर घर में मशहूर हुई अभिनेत्री निमृत कौर आहलूवालिया टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा बन चुकी है। लेकिन इन्हें भले ही कितने ही रोमांटिक ड्रामा से भरे हुए सीरियल अप्रोच किए हों, इन्होंने उस सीरियल में काम जरूर किया है, मगर जब भी इन्हें हॉरर सीरियल ऑफर होते हैं तो ये बार बार उन्हें न कर देती है, जिसकी साफ और सीधी वजह है कि इन्हें भूत प्रेत आत्माओं से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसलिए आज तक किसी भी हॉरर मूवी या सीरियल में दिखाई नहीं दी। नंबर 2, तान्या शर्मा। ससुराल सिमर का पार्ट 2 सीरियल में रीमा बनकर अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरने वाली तान्या शर्मा को भी हॉरर सीरियल में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इनके मुताबिक इनकी शक्ल, सूरत और पर्सनालिटी किसी भी भूतनी या फिर प्रेत आत्माओं की डरावनी एक्टिंग और वेशभूषा धारण के लिए नहीं बनी है, इसलिए ये करोड़ों रुपए मिलने पर भी हॉरर शो नहीं करती। नंबर 3, कृतिका सिंगर। अभिनेत्री कृतिका सिंगर, जो कुछ साल पहले कलर्स टीवी के सीरियल कसम तेरे प्यार की में जबरदस्त अदायगी करती हुई दिखाई दी थी, इन्हें भी हॉरर शो करने से परहेज है, जिनके लिए इन्हें अच्छी खासी रकम भी अप्रोच हुई, मगर इन्हें भूत प्रेत तंत्र मंत्र जैसी अंधविश्वास शक्तियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए अंधविश्वास को बढ़ावा न देने के लिए ऐसे सीरियलों में काम नहीं करती। नंबर 4, श्रुति शर्मा। कलर्स टीवी के सबसे एंटरटेनिंग शो नमक इश्क में अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस से सबको एंटरटेन करने वाली अभिनेत्री श्रुति शर्मा भी आत्माओं से भरी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ने से ही इनकार कर देती है, तो ये भला किसी हॉरर शो में काम कैसे करेंगे। जी हाँ, श्रुति शर्मा को सीरियल मनमोहिनी का ऑफर जब आया था, तब इन्होंने सीरियल में अपने आप को डायन और चुड़ैल में ट्रांसफॉर्म करने को लेकर काफी ज्यादा डर दिखाया था, क्योंकि इन्हें भूत प्रेत की कहानियों और चुटकुलों से इतना ज्यादा डर लगता है कि ये आज भी अपनी मम्मी के पास ही सोती हैं। नंबर 5, हेली शाह। सीरियल इश्क में मरजावा सीजन 2 में अपने गजब के स्क्रीन परफॉर्मेंस से सबका दिल जीतने वाली अभिनेत्री हेली शाह को आज तक पूरे पांच से भी ज्यादा हॉरर सीरियल के बेहतरीन ऑफर आ चुके हैं, जिनमें एक बार तो इन्हें एक भूतनी का कैरेक्टर प्ले करने के लिए 1 करोड़ दिए जा रहे थे, मगर इन्होंने इतने अच्छे ऑफर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि ये पैसों की लालची नहीं है। जी हाँ, इन्हें भूत प्रेत जैसी घटनाओं के साथ साथ उनके स्टोरीज में भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और इनका ये भी मानना है कि इन्होंने आज तक किसी भूत प्रेत आत्मा को नहीं देखा, तो भला ये उस किरदार को कैसे छोटे पर्दे पर निभा सकती हैं। नंबर 6, दृष्टि धामी। मधुबाला सीरियल फेम एक्टर दृष्टि धामी आज के मॉडर्न जमाने के एक्ट्रेस हैं, जिन्हें झाड़ फूक तंत्र मंत्र की विद्या में बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, और इसी के चलते ही अपने करियर की शुरुआत से ही कई हॉरर सीरियल में काम करने के ऑफर को ठुकरा चुके हैं, जहां इन्हें एक बार तो फिल्म स्त्री में स्त्री का किरदार भी ऑफर हुआ था, जिसके लिए प्रोड्यूसर इन्हें पूरे 3 करोड़ रूपए दे रहे थे, लेकिन इन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। नंबर 7, जिज्ञासा सिंह। शक्ति सीरियल फेम एक्टर जिज्ञासा सिंह को भी हॉरर सीरियल में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि समाज में किसी भी तरह का अंधविश्वास या फिर ब्लैक मैजिक को अपनी पॉपुलैरिटी के जरिए बढ़ावा नहीं देना चाहती। नंबर 8, मीरा देवस्थले। कलर्स टीवी के कई सीरियल में अपनी दमदार अदाकारी दिखाने वाली अभिनेत्री मीरा देवस्थली असल जिंदगी में बहुत डरपोक है। जी हाँ, इन्हें भूत प्रेत, स्प्रेड, टोना टोटका और इन सब चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता है, और इसी वजह से ये ऐसे सीरियल्स नहीं करती। नंबर 9, तेजस्वी प्रकाश। थप के प्यार की शो में खूबसूरत दिखने वाली एक्टर तेजस्वी प्रकाश किसी भी हॉरर शो में अपने भयानक रूप से दर्शकों को एंटरटेन नहीं करना चाहते, तभी तो ये मनमोहिनी, नजर और फिर कोई है जैसे सुपर नेचुरल शो को इनकार कर चुकी है।
नंबर 10 रुबीना दिलैक। जी हाँ, अपनी बेबाक खूबसूरती का जलवा बिखेरने वाली अभिनेत्री रुबीना दिलैक को भी कई सुपर नेचुरल और हॉरर शो में काम करने का ऑफर आ चुका है, लेकिन इन्होंने इन सब को करने से इनकार कर दिया। इनका मानना है कि इन शो से समाज के मन में डर पैदा होता है और ये ऐसे शो को नहीं करना चाहती। तो दोस्तों, इन सभी खूबसूरत अभिनेत्रियों में से आप किसे हॉरर सीरियल में काम करते देखना चाहते हैं? आप हमें उस अभिनेत्री का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी और मजेदार अपडेट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।